जापान के अरबपति बिजनेसमैन की युवा पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया है। 25 साल की साकी सुडो को पर आरोप है कि उसने अपने 77 साल के पति डॉन जुहान की हत्या की है। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने डॉन जुहान से शादी करने में महज 3 महीने के अंदर उसे जहर दे डाला और उसे मार डाला। सोन जुहान उर्फ कोसुको नेजा की जापान के रखूदार बिजनेसमैन में शुमार किए जा रहे हैं। नोजाकी का रियल एस्टेट और शराब का कारोबार था। 3 साल पहले मई के महीने में उनकी मौत हो गई थी। नोजाकी सबसे पहले चर्चा में आए थे जब उन्होंने साल 2016 में अपनी ऑटोबायोग्राफी छापी थी। इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने दावा किया था कि वह 4000 महिलाओं के साथ संबंध बना चुके हैं और उन्होंने इस महिलाओं को लाखों करोड़ों रुपये दिए हैं। डॉन जुहान ने अपने आप को स्पेनिश प्ले बॉय के तौर पर रखते हुए ऐसा देखते थे लोग। नोजाकी बाकायदा के मौजूद में अपने घर में मृत पाए गए थे। पुलिस के केस पर छानबीन के बाद पाया गया था कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। यह सुसाइड का केस नहीं है। पुलिस ने यह कहा था कि मरने से पहले नोजाकी अपनी पत्नी के साथ डिनर कर रहे थे। पुलिस के अनुसार सुडो ने इंटरनेट पर जहरीले ड्रग्स के बारे में रिसर्च किया था, उनके अपने पति को दे दिया था। इस मामले की पुलिस का कहना है कि यह बात अब तक साफ नहीं हो पाई है कि इस महिला ने अपने पति को क्यों मारा। ये कंफर्म नहीं है कि नोजाकी ने अपने वसीयत में कहा था कि वे 1.3 बिलियन युआन को अपनी प्रॉपर्टी को शेयर की तरक्की के लिए दान करना चाहते हैं। देखते रहें MST News, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।